All these nights I'm praying I can be the one that you guide. Ya Rab, I pray you keep me safe from walking off the path astray. I need you, I trust you, my love is just for you. My Lord, I will never put anything above you. I need you, I trust you. Assalamu alaikum. Agar aap dekhe to नाले का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है, मतलब बड़ा क्रेन्स के ज़रिए इसको बड़ा करा जा रहा है और नाले का साइज़ पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पे जो है रोड बननी है और दोनों तरफ नाला बनना है जिसको मॉडर्न नाला कहते हैं। मतलब भाई जहाँ तक मैंने सुना है कि ये मॉडर्न नाला बनेगा, बरसाती नाला, तो ये जो गटर का पानी बहेगा, यहाँ गटर का पानी नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी होगा जब बारिश होगी, वरना ये खाली होगा। और इसके दोनों तरफ बाउंड्री वॉल्स होगी तो, और ये अभी बिल्कुल ही ख़राब रोड है जो कि अभी रोड बनानी है। अगर ये रोड बन जाती है उसके साथ फुट पार्क बनेंगे और तो भाई अभी बहुत काम बाकी है तो इसमें टाइम तो लगेगा ज़्यादा। तो मिलते हैं फिर। ये कुछ जो दिखाया मैंने ये सब गुज्जर नाला है जहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे नालों का जो साइज है वो बढ़ाया जा रहा है और उसको मॉडर्न नाले में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, ये मॉडर्न नाले मतलब मॉडर्न बरसाती नाले ही होते, ये क्या चीज है और एग्जैक्टली होते कैसे? तो एग्जैक्टली मैं वही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। हाँ, तो भाई ये इस तरीके के होते हैं मॉडर्न बरसाती नाले। यहाँ पे दोनों साइड में सीमेंट की दीवार होती है और बीच में नाला होता है और दोनों तरफ उसकी रोड है, तो ये सीमेंट का बना हुआ है इस तरीके से। हाँ, मेरी गाड़ी गई। तो दिस इज द नाला विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये है वो मॉडर्न नाला, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा बड़ा है, वो जगह वो छोटी होगी वो थोड़ी सी। तो ये वो होगा इस तरीके के, मतलब मॉडर्न नाला होता है दोनों, क्योंकि ये कोई रिवर नहीं है, ये एक नाला है, बरसाती नाला। और दिन में ये ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा मेरे ख्याल से। तो मेरी गाड़ी कहाँ गई? अच्छा, ये जो है नाले का पानी है या बरसात का पानी है इसका मुझे नहीं पता। ये गाड़ी उसका दरवाजा ही टूट गया, ये पानी के अंदर भी चल गई है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कराची के अंदर बन रहे हैं जो अगर कंप्लीट हो जाते हैं 5-10 साल में तो कराची का नक्शे बदल जाएगा, जिसमें से एक बंडल आइलैंड है जो कि दुबई की तरह एक आइलैंड बनेगा, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। अब क्योंकि वफाक हुकूमत उस बंडल आइलैंड को बनाना चाहती है लेकिन जो सूबाई हुकूमत है वो उसको बनने नहीं दे रही है, तो एक छोटा सा मसला है ये। और अगर बन जाता तो बड़ी खूबसूरत जगह होगी वो, और वहाँ से जो मतलब कराची से बंडल आइलैंड का जो रास्ता होगा वो एक ब्रिज के जरिए होगा, जो ब्रिज बनाया जाएगा समंदर के ऊपर से गुजार के। तो अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता, ये वक्त ही बताएगा। अल्लाह हाफिज़।